हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश कुमार आपका आपके यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट फॉरएवर में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज के दिन अगर हम देखें तो इतनी सारी कंपनीज के आप देख रहे हैं, ये सारे के सारे आज रिजल्ट आए हैं और काफी बेहतरीन कुछ कंपनियों के रिजल्ट आते हुए दिखाई दिए। कुछ के कंपनी के अच्छे रिजल्ट नहीं आए, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि लगभग कितनी 400-500 कंपनीज के यहाँ पर मुझे नंबर दिखाई दे रहे हैं, कितने कंपनीज के नंबर लगातार आते हुए दिखाई दे रहे हैं। बट इनमें से कुछ फेमस कंपनी है, तो मैंने उन्हीं कंपनीज को यहाँ पर चुना है और उन्हीं की कंपनी ये आप देख रहे हैं, पूरी लाइन सारी वही कंपनीज है। तो इनके नंबर हम देखेंगे, एक एक करके जानेंगे। ओके, और एक साथ तो हम नहीं पढ़ सकते। अगर मैं एक एक करके यहाँ पर पढ़ने लग गया कि पूरे एक एक चीज बताने लग गया तो यहाँ पर कल तक ये वीडियो खत्म नहीं हो रही। ओके, तो इसलिए हम शॉर्ट में देखेंगे, जानेंगे कि कंपनी के रिजल्ट ओवरऑल कैसे आए वो जानेंगे और आप पता करेंगे कि अच्छे है तो कल क्या होगा, क्या हमें रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, लॉन्ग टर्म का व्यू क्या है, वो सब चीज जानेंगे। बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े, रिक्वेस्ट करूंगा इन्वेस्ट फॉरएवर चैनल आपका चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग वीडियोज देखते हैं बट वो यहाँ पर सब्सक्राइब नहीं करते और सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाना, केवल एक बटन है, इसे यहाँ पर क्लिक करना है और उसके बाद नोटिफिकेशन का बटन आएगा, उस पर ऑल। तो नोटिफिकेशन को भी ऑन करिए क्योंकि और नोटिफिकेशन काफी लोगों ने यहाँ पर ऑन नहीं कर रखा, तो उसकी वजह से नोटिफिकेशन भी नहीं आ रहा। तो सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन करिए, लाइक करिए। बहुत सारी वीडियोज यहाँ पर आ चुकी है, टाटा ग्रुप का डार्क रियलिटी, IRCTC का स्टॉक से रिलेटेड और यहाँ पर डॉली गन्ना का स्टॉक है जिसमें मैंने आज इन्वेस्टमेंट करी है। ओके, डॉली गन्ना को देख के नहीं करी है, मुझे पता भी नहीं था, बाद में मैंने यहाँ पर सर्च करा है तो यहाँ पर पता है। बट स्टिल कंपनी के नंबर अच्छे हैं, कंपनी ओवरऑल अच्छी है तो इसलिए इन्वेस्टमेंट करा, तो जाके देखिए। तो आज ये एक एक करके नंबर देखते हैं। सबसे पहले आरती इंडस्ट्री। आरती इंडस्ट्री वन ऑफ द मल्टीबैगर स्टॉक, वन ऑफ द गुड स्टॉक। ऐसे स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में रखने हैं, याद रखिए, एक रखने वाले स्टॉक से। कंपनी के इनकम देखिए लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है क्वार्टरली ईयरली बेसिस पे। नेट प्रॉफिट की बात करेंगे सीधे, ओके, कि कंपनी का नेट प्रॉफिट कैसा है, तो नेट प्रॉफिट आप देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट आया, नेट प्रॉफिट फ्रॉम द ऑर्डिनरी एक्टिविटी आफ्टर टैक्स तो 18,584 ओके लैक्स इन रुपीज, तो मतलब 185 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। इससे पहले 190 करोड़ के आसपास था, इससे पहले 162। तो बात करें ईयरली क्वार्टरली दोनों, ईयरली बेसिस पे कंपनी का प्रॉफिट लगातार अच्छा हुआ है बट क्वार्टरली बेसिस पे केवल थोड़ा सा यहाँ पर फर्क पड़ गया है, अदरवाइज कंपनी का नंबर यहाँ पर भी अलग आते हैं, वो भी एक्सपेंसेस की वजह से। कंपनी के नंबर अच्छे हैं, याद रखिएगा, कंपनी के नंबर अच्छे हैं, बने रहना है। शेयर नीचे जाता है तो दोबारा बाई करना है। इसके अलावा हम बात करेंगे एक कंपनी Abbott इंडिया। ये कंपनी कुछ ऐसी कंपनीज है जो अपने पोर्टफोलियो में अगर रहती है, दवाई की कंपनी है, आपने देखी भी होगी, आपकी दवाइयों के पीछे लिखा भी रहेगा, बट ऐसी कंपनी के शेयर रखेंगे तो अच्छा बनेगा पैसा, बट इतना पैसा नहीं बनेगा बट सेफ्टी रहेगी। अब बात करते हैं यहाँ पर प्रॉफिट, तो कंपनी का 205 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, इससे पहले एक क्वार्टर पहले 211 था। ईयरली बेसिस पे बात करें 195 से 205 हो गया, लगभग 10 करोड़ ज्यादा यहाँ पर इनकम होती हुई नजर आई है। तो यहाँ पर देखिए EPS भी उसी हिसाब से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो कंपनी के ओवरऑल रिजल्ट अच्छे है, क्यों? क्योंकि हम ईयरली बेसिस पे देखते हैं, क्वार्टरली बेसिस पे नहीं। अब बात करते हैं अंबिका कॉटन। अंबिका कॉटन इफ आई एम नॉट रॉन्ग यहाँ पर विजय केडिया सर के पोर्टफोलियो का भी एक शेयर है। यहाँ पर आप अगर देखेंगे प्रॉफिट फॉर द पीरियड तो आपको यहाँ पर पता चलेगा कि 8887 लाख इन रुपीज, तो अगर बात करें 38 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, इससे पहले 46 करोड़ का था, एक साल पहले 35 करोड़ का। तो ईयरली बेसिस पे कंपनी का नंबर अच्छे आया है, यही हमें देखना है केवल। ओके, इस बार यहाँ पर एक्सपेंसेस की वजह से क्वार्टरली बेसिस पे नंबर पे फर्क पाया है बट ईयरली बेसिस पे नंबर अच्छे आया है कि नहीं, ये आगे जिसके आ रहे हैं वो याद रखिए, कंपनी के अच्छी है, उसमें इन्वेस्ट करके चलेंगे तो अच्छा पैसा बनेगा। एमी ऑर्गेनिक हमारे पोर्टफोलियो का हिस्सा है, ओके, तो यहाँ पर इस चीज को देखिएगा। टोटल एक्सपेंसेस यहाँ पर सीधे नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात करते हैं तो 1486 यहाँ पर लैक्स इन रुपीज, 14 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, इससे पहले 21 करोड़ का था, इससे पहले 1300। तो कंपनी का ईयरली बेसिस पे प्रॉफिट अच्छा है, क्वार्टरली बेसिस पे थोड़ा सा कम हुआ है जस्ट बिकॉज यहाँ पर देखेंगे टैक्स, तो यहाँ पर टैक्स ज्यादा लगा है। ओके, यहाँ पर फिर भी यहाँ पर कम रहता बट स्टिल यहाँ पर जो टैक्सेस का बहुत ज्यादा बड़ा डिफरेंस है, इस चीज को भी याद रखिएगा। इस वजह से यहाँ पर थोड़ा सा जो यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर आप देखेंगे टैक्स तो ज्यादा फर्क नहीं दिखाई दे रहा, केवल और केवल 2 करोड़ का फर्क दिखाई दे रहा है, बट यहाँ पर देखेंगे तो लगभग 7 करोड़ का फर्क दिखाई दे रहा है, तो जस्ट बिकॉज ऑफ टैक्सेस, तो इस चीज को याद रखिएगा। तो कंपनी के रिजल्ट ओवरऑल अच्छे हैं। यहाँ पर बात करें तो कंपनी का यहाँ पर देखेंगे EPS थोड़ा कम होता हुआ नजर आ रहा है बट कोई इश्यू वाली बात नहीं है, कंपनी बेहतरीन है, लॉन्ग टर्म के पर्पज से यही कंपनी करोड़पति बना के देगी। अवंती फीड्स, मुझे नहीं पता अवंती फीड्स के साथ क्या प्रॉब्लम आ रही है। अवंती फीड्स ऐसा शेयर है, इसने 50,000 रुपए को 1 करोड़ रुपए में बदला है बट अभी लगातार कमजोर नंबर आ रहे हैं, जो कि EPS में भी आप देख रहे हैं कि EPS किस तरीके से कम हुआ है। प्रॉफिट भी देखेंगे 7310 ओके, इससे पहले 9174, इससे पहले 76। क्वार्टरली ईयरली दोनों बेसिस पे कम जो नंबर आए, अवंती फीड्स से थोड़ा सा दूर रहिएगा। इसके अलावा बात करते हैं एंटनी वेस्ट। एंटनी वेस्ट बहुत टाइम से कोशिश कर रहा था ऊपर जाऊं, ब्रेकआउट पे भी खड़ा हुआ है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वहां से ही बार बार लौट रहा था, बट अभी इस बार नंबर इसने धांसू दे दिया। देखिए 8864 ओके, लैक्सिन रुपीज। तो 28 करोड़ का प्रॉफिट है। इससे पहले 25 था, इससे पहले 22 था। तो ईयरली क्वार्टरली बेसिस दोनों पे अच्छा किया है कंपनी ने, तो नजरें बनाइएगा। इस बार ये अपने हाई को भी तोड़ेगा, इस बार नंबर भी अच्छे आएंगे। और ये वाली कौन सी कंपनी है, एक मिनट दीजिए मुझे। हाँ, तो ये बालाजी टेलीफ़िल्म्स की कंपनी है ओके। इसके भी नंबर यहाँ पर इस बार पॉजिटिव आया है, तो इसकी तरफ भी आपको ध्यान देना है। इसके पूरे नंबर यहाँ पर दे नहीं रखे। हाँ पर ये देखेंगे तो यहाँ पर देखिए क्वार्टरली ईयरली यहाँ पर कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस करती हुई नजर आई है। तो शायद यहाँ पर ये कंपनी इस बार प्रॉफिट में आई है, और एक साल पहले मैंने निकाल रखा है। आप देखेंगे तो लगातार लॉस करती हुई नजर आई है, बट इस बार प्रॉफिट में आई है। तो इसकी तरफ क्या करना है आपको, इस शेयर की तरफ भी ध्यान देना है ओके। अब बात करते हैं यहाँ पर डेनिस कैम, एक छोटा सा शेयर है, याद रखिए क्या है, छोटा सा शेयर है, 60-65 रुपए का शेयर है, बट बेहतरीन नंबर। यहाँ पर नंबर देखेंगे आपको पता चल जाएगी। फॉर द पीयर 214, मतलब यहाँ 2 करोड़ रुपए का प्रॉफिट होता हुआ नजर आया <coughs> 2 करोड़ 14 लाख ओके। और इससे पहले अगर हम देखें तो इससे पहले कंपनी को यहाँ पर केवल 94 लाख का प्रॉफिट था, इससे पहले 1 करोड़ का। तो ईयरली क्वार्टरली दोनों बेसिस पे कंपनी के नंबर काफी बेहतरीन है। इस कंपनी का नाम याद कर लीजिए, डेनिस कैम लैब लिमिटेड। इसके नंबर अच्छे हैं, शेयर आपको मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है। डॉलर आप कंपनी का नाम जानते ही है, डॉलर एक बेहतरीन ब्रांड है। ईयरली बेसिस पे नंबर अच्छे, क्वार्टरली बेसिस पे नंबर अच्छे नहीं है, तो इस चीज को यहाँ पर देखिएगा। प्रॉफिट फॉर द पीरियड कंपनी का ईयरली बेसिस पे नंबर अच्छे है, क्वार्टरली बेसिस पे थोड़े से डल आते हुए यहाँ पर दिखाई दिए है। अब बात करते हैं डॉनियर। डॉनियर एक और यहाँ पर टेक्सटाइल की कंपनी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे प्रॉफिट फॉर द पीरियड, तो ईयरली बेसिस पे घाटे से कंपनी प्रॉफिट में आई है 656, और क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पर गिरावट नजर आ रही है। तो ये ईयरली बेसिस पे नंबर अच्छे हैं, तो याद रखिए कंपनी के नंबर अच्छे हैं, तो डॉनियर का आपको ध्यान देना है। इसके अलावा बात करते हैं यहाँ पर इंश्योरेंस टेक्नोलॉजी, एक मल्टीबैगर स्टॉक साबित हुआ है। यहाँ पर देखिए अभी भी सेल्स लगातार बढ़ रही है जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सपेंसेस। अगर हम देखें प्रॉफिट फॉर द पीरियड, तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड यहाँ पर कंपनी का 809, अगर यहाँ पर देखिए इन मिलियंस, तो यहाँ पर देख लिए 8 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। इससे पहले 11 करोड़ का था, इससे पहले 5 करोड़। तो ईयरली बेसिस पे कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है, क्वार्टरली बेसिस पे थोड़ा सा डल है, बट स्टिल कंपनी अच्छी है। तो यहाँ पर ध्यान दिए, अगर नीचे जाता है तो यहाँ पर बाइंग करने की कोशिश करिएगा, बट सारे फंडामेंटल देख के और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प लेके। एक्विटास होल्डिंग, इसकी भी बात करें तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कंपनी का नंबर। तो यहाँ पर देखिए ईयरली बेसिस पे कंपनी का अच्छा खासा परफॉर्मेंस है, क्वार्टरली बेसिस पे थोड़ा सा डल आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो कंपनी की तरफ ध्यान दीजिएगा। इक्विटास की तरफ भी अच्छी कंपनी है, छोटा सा होल्डिंग कंपनी है ओके, बैंक NBFC कंपनी है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अच्छे खासे नंबर आपको मिल सकते हैं। और यहाँ पर इनकी आई थिंक मर्जर की भी न्यूज है। ग्लैनमार्क फार्मा ओके, काफी टाइम बाद यहाँ पर फॉर्म में आई है, कंपनी के नंबर आ गए, कंपनी के नंबर यहाँ पर काफी बेहतरीन आते हुए दिखाई दिए है ओके। ईयरली क्वार्टरली बेस पे प्रॉफिट फॉर द पीरियड देखेंगे 2925, यहाँ पर किस में है नंबर, मिलियंस इन रुपीज। तो 49 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, इससे पहले 20, इससे पहले 48। तो क्वार्टरली ईयरली दोनों बेसिस पे कंपनी के नंबर अच्छे आए हैं, यहाँ पर EPS भी बढ़ता हुआ नजर आया है। इस शेयर की तरफ ध्यान दीजिएगा। अब जैसे कि मैंने बताया था फार्मा इंडेक्स ऊपर जा रहा है, तो फार्मा इंडेक्स ऊपर जाएगा अब ये सब देखे। GR ओवरसीज ये भी हमारे पोर्टफोलियो का हिस्सा है ओके, और यहाँ पर ये वाला शेयर भी हमारे पोर्टफोलियो का हिस्सा था। तो इस चीज को याद रखिए, GR ओवरसीज एक बेहतरीन शेयर है ओके। बार बार मैंने आपको बताया गिर रहा था जस्ट बिकॉज ऑफ समथिंग, बट देखा जाए कंपनी यहाँ पर देखिए नंबर घाटे को कंट्रोल करके कंपनी ईयरली क्वार्टरली दोनों बेसिस पे नंबर अच्छे लेके आई है। यहाँ पर देखिए 1830, मतलब 18 करोड़ का प्रॉफिट, इससे पहले 18 करोड़ का प्रॉफिट था, इससे पहले 1508 करोड़ का। तो EPS भी कंपनी का बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जो कि EPS थोड़ा सा कम आया क्वार्टरली बेसिस पे, बट कंपनी के नंबर ओवरऑल काफी बेहतरीन है। मैं यहाँ से खुश हूँ इस कंपनी के नंबर से। हेल्थ केयर ग्लोबल एक्सपर्टीज, इस कंपनी की तरफ भी ध्यान दीजिए। यहाँ पर इसके नंबर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगी कंपनी के नंबर काफी यहाँ पर अच्छे आते हुए दिखाई दिए। यहाँ पर देखिए तो 1085, इससे पहले 1792 का लॉस था, इससे पहले 140। तो क्वार्टरली ईयरली दोनों बेसिस पे कंपनी के नंबर अच्छे हैं, तो हेल्थ केयर ग्लोबल इंटरप्राइजेस की तरफ ध्यान देना है। यहाँ पर देखिए इंडाल्को इंडस्ट्री लिमिटेड भी देखेंगे तो इसके भी नंबर यहाँ पर काफी सारी मैंने यहाँ पर कंपनीज के नंबर देखे, उनके नंबर अच्छे नहीं आ रहे, बट इस कंपनी के नंबर काफी बेहतरीन आए हैं। तो यहाँ पर देखिए 4119, से पहले 3851, इससे पहले 27। तो यहाँ पर देखिए ईयरली और क्वार्टरली दोनों बेसिस पे कंपनी के नंबर क्या आते हुए दिखाई दिए, अच्छे खासे आते हुए दिखाई दिए, और ये नंबर क्वार्टरली बेसिस पे है। इस चीज को भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अब बात करते हैं और भी यहाँ पर कुछ चीज की, तो यहाँ पर आपको पता चलेगा एचएलई ग्लासको मल्टीबैगर रिटर्न दी है। ये शेयर लगातार भाग रहा था और कुछ दिन पहले ही मैंने बताया था, उसके बाद भी भागा था, बट यहाँ पर हम देखें नंबर काफी बेकार आए हैं। देखिए क्वार्टरली ईयरली दोनों बेसिस पे नंबर यहाँ पर कमजोर आए। नीचे आता है ये शेयर तो थोड़ा सा यहाँ पर ईपीएस भी नेगेटिव में आ गया है, नीचे आता है काफी। यहाँ पर अगर गिर जाता है ये शेयर 1500-2000 पे मिल जाता तो खरीदने की कोशिश करिएगा, काफी अच्छा ये रिटर्न बनते हुए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बनेंगे। इंडियन रिपोर्ट इलेक्ट्रिकल्स काफी टाइम पहले यहाँ पर वीडियो बनाई थी, उसके बाद मल्टीबैगर रिटर्न मिले, उसके बाद गिरता हुआ नजर आए। अब बात करें यहाँ पर दोबारा इसके शेयर की, तो कंपनी ने बेहतरीन नंबर पेश करे। यहाँ पर देखेंगे ईपीएस तो ईयरली क्वार्टरली बेसिस पे सब जगह पर यहाँ पर कंपनी का क्वार्टरली बेसिस 3 टाइम, ईयरली बेसिस पे 9 टाइम्स यहाँ पर प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 2145 से पहले 828, इससे पहले 362। तो कंपनी के नंबर काफी अच्छे हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। एप्पल लैब के नंबर अच्छे नहीं है, यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगी, कंपनी के जो ईपीएस है इसी से पता चल जाएगी। तो ईपीएस क्वार्टरली बेसिस पे नंबर अच्छा है, बट ईयरली बेसिस पे कंपनी के नंबर अच्छे नहीं आए और ईयरली बेसिस पे यहाँ नंबर देखते हैं तो ये कंपनी के नंबर डल है, बट फार्मा यहाँ पर भागेगा तो अगर गिरता है तो एपका एक बेहतरीन कंपनी साबित हो सकती है। कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल अभी आया था किम्स के नाम से, ओके साउथ में इसका ज्यादा प्रेजेंस है, बट यहाँ पर बात करें इसका तो इसके नंबर भी डलाते हुए दिखाई दिए, ईयरली क्वार्टरली दोनों बेसिस पे देखिए 792, इससे पहले 833, इससे पहले 920। तो यहाँ पर कंपनी के नंबर यहाँ पर कम आते हुए दिखाई दिए, ईपीएस भी गिरा है। किम्स से थोड़ा सा दूर रहिएगा, नीचे आता है उस टाइम यहाँ पर सोच समझ के विचार करिएगा। ये कौन सी कंपनी है, किर्लोसकर ब्रदर के नंबर है यहाँ पर देखिए। कंपनी ये इसलिए मैंने चूज करी है क्योंकि इतना प्रॉफिट हो गया ये न्यूज पे दिखा रहा था, ओके, बट नंबर अभी देख रहे हैं तो यहाँ पर कंपनी के जो ईयरली बेसिस पे नंबर है ओके यहाँ पर अच्छे आए हैं, बट क्वार्टरली बेसिस पे देखेंगे तो काफी यहाँ पर गिरावट है। तो कंपनी ईयरली बेसिस पे ठीक है बट क्वार्टरली बेसिस पे गिरावट है, तो 1-2 क्वार्टर बाद शायद अच्छे खासे नंबर आ सकते हैं, तो ध्यान दे सकते हैं आप, बट न्यूज देख के कभी भी बाइंग नहीं करनी इस चीज को, इससे यहाँ पर पता चलता है। 10% आज नीचे था। इसके बाद हम बात करते हैं ये लिखिता ये का अभी आया था 2 साल पहले, ये शेयर 1-1.5 साल पहले आया, काफी बेहतरीन शेयर है, मल्टीबैगर रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो देखिए ईयरली क्वार्टरली दोनों बेसिस पे कंपनी के नंबर बढ़ते हुए नजर आए हैं। ईपीएस भी देखेंगे तो ईपीएस भी लगातार इस कंपनी का बढ़ता हुआ नजर आया है, और कंसोलिडेट प्रॉफिट भी अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं ईयरली बेसिस पे कंसोलिडेट प्रॉफिट बढ़ रहा है, बट क्वार्टरली बेसिस पे थोड़ा सा गिरावट है, वही ईपीएस में दिख रहा है। तो कंपनी के नंबर ओवरऑल यहाँ पर अच्छे है, तो यहाँ पर लिखिता की तरफ ध्यान दे सकते हैं। मैक्स हेल्थ केयर, ये शेयर को मैं आपको 125 या 175 से लगातार दिलाता आया हूँ ओके। इसके बाद ये शेयर 400, 450, 500 तक भी गया था, और अभी बात करें ये शेयर गिर के यहाँ पर 380 समथिंग पे चल रहा है, बट यहाँ पर देखा जाए इस शेयर की तरफ तो बार बार अपने रिजल्ट से यहाँ पर इम्प्रेस कर देता है। इसके रिजल्ट देखेंगे तो ईयरली क्वार्टरली दोनों बेसिस पे अच्छा है, 17,283 से 12,000, इससे 14,000। तो कंपनी के रिजल्ट काफी बेहतरीन है और ईपीएस भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मैक्स हेल्थ केयर की तरफ आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर बात करें एक और मजगा डॉक शिपयार्ड, काफी बेहतरीन नंबर इसके भी आते हुए दिखाई दिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस शेयर की तरफ तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड की अगर हम बात करें 21,000, इससे पहले 14,000, इससे पहले 9। तो ईयरली बेसिस पे भी डबल प्रॉफिट, क्वार्टरली बेसिस पे बात करें तो भी अच्छा प्रॉफिट। तो कंपनी की तरफ ध्यान देना है मजगा डॉक शिपयार्ड। इसकी तरफ हम देखेंगे। इसके अलावा मेड प्लस अभी ये शेयर आया था, मेड प्लस के रिजल्ट काफी बेकार आए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कंपनी के नंबर तो आपको पता चलेगा, देखिए 0 का ईपीएस हो गया है, क्वार्टरली ईयरली दोनों बेसिस पे कंपनी ने बेकार परफॉर्मेंस किया है। केवल यहाँ पर 40.4, इससे पहले 9.22, इससे पहले 23.05। तो कंपनी के रिजल्ट काफी बेकार है, दूर रहिएगा। मेट्रोपोलिस अगेन इसने नंबर बेकार दिए। मैं यहाँ पर देखेंगे तो कंपनी का ईयरली बेसिस पे तो काफी गिरावट है, क्वार्टरली बेसिस पे समझ भी सकते हैं कि यहाँ पर कोविड खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, तो थोड़ा सा प्रेशर रहेगा। शेयर ज्यादा गिरेगा नहीं ओके, गिरता है तो आप बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपना सकते हैं, बट एवरेज कैसे करना है आप यहाँ पर समझ सकते हैं ओके। वीडियोज देखते होंगे तो आप समझ जाएंगे। इसके अलावा हम देखते हैं पतंजलि फूड्स, इसके नंबर ठीक ठाक आए हैं। ईयरली बेसिस में यहाँ पर देखी जाए तो यहाँ पर आपको पता चलेगी 24,125, तो इससे पहले 1 साल पहले 17,000 था, तो वो बढ़ा है। क्वार्टरली बेसिस पे भी प्रॉफिट बढ़ता हुआ नजर आया, बट ईपीएस में थोड़ा सा वो है बस प्रॉब्लम। बाकी की बात करें कंपनी का ईयरली क्वार्टरली दोनों बेसिस पे अच्छे खासे नंबर आया, तो इसकी तरफ ध्यान देना है। इसके अलावा हम बात करते हैं पीडी लाइट के नंबर एकदम बेहतरीन आते हुए दिखाई दिए, 333 करोड़, इससे पहले 252, इससे पहले 207। तो ईयरली क्वार्टरली दोनों बेसिस पे नंबर अच्छे हैं, तो पीडी लाइट की तरफ हमें ध्यान देना है। इसके बाद पी वी फिनटेक के नंबर एकदम बकवास आया है। यहाँ पर देखेंगे कंपनी अभी भी लगातार लॉस में है। यहाँ पर आप देखिए कंपनी के लॉस लगातार उसी रेंज में चलते हुए नजर आ रहे हैं, ईयरली बेसिस पे तो बढ़ा ही है। बात करते हैं यहाँ पर पॉन्डी ऑक्साइड एंड केमिकल्स, इस कंपनी की तरफ भी आपको ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि इसके नेट प्रॉफिट देखेंगे ईयरली क्वार्टरली दोनों बेसिस पे बढ़ते हुए नजर आएगा। ओके, और यहाँ पर देखेंगे ईपीएस भी बढ़ता हुआ नजर आया। तो पॉन्डी ऑक्साइड एंड केमिकल्स काफी छोटा कंपनी है, 200-300 का शेयर है शायद, और काफी अच्छे रिजल्ट है। टेस्टी बाइट अगेन इस कंपनी के रिजल्ट काफी बेहतरीन है, यहाँ पर देख सकते हैं 78 करोड़, इससे पहले 46, इससे पहले 71। तो कंपनी के ईयरली क्वार्टरली दोनों बेसिस पे नंबर अच्छे है। टाटा कंज्यूमर थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, अदरवाइज यहाँ पर देख सकते हैं ईयरली बेसिस पे नंबर अच्छे नहीं आए, क्वार्टरली बेसिस पे अच्छे हैं, बट गिरता हुआ नजर आ सकता है। नीचे मिले तो यहाँ पर खरीदने की कोशिश करिएगा। टाइटन बायोटेक यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर शेयर को भी। यहाँ पर अगर बात करें ईयरली बेसिस पे कंपनी के नंबर कम है, बट प्रॉफिट क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी के नंबर अच्छे खासे आते हुए दिखाई दिए। शेयर की तरफ ध्यान दीजिएगा। ओके, ये टाइटन बायोटेक मुझे थोड़ा सा अच्छा नजर आता है, इसलिए ऐसे ही बताया मैंने इसे। टीवीएस श्री चक्रा काफी बेकार रिजल्ट आया है, यहाँ पर देखेंगे तो कंपनी जो प्रॉफिट में थी वो घाटे में आती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा बात करते हैं यूफ्लेक्स आपको पता ही है, यहाँ पर पैकेजिंग कंपनी है। अभी मोल्टेक के पैकेजिंग के नंबर आए थे, अच्छे आए थे। अब अगेन इस कंपनी के भी नंबर अच्छे आते हुए दिखाई दिया। ईपीएस भी देख सकते हैं क्वार्टरली ईयरली बेसिस पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, 37,465, इससे पहले 26,428 था। तो कंपनी के रिजल्ट काफी बेहतरीन आया है। कल यूफ्लेक्स की तरफ भी ध्यान दीजिए। उत्तम शुगर के नंबर भी अच्छे खासे आते हुए दिखाई दिए, तो यहाँ पर उत्तम शुगर की तरफ भी ध्यान दे सकते हैं। ईयरली बेसिस पे काफी अच्छे, क्वार्टरली बेसिस पे थोड़े से डाउन है, जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सपेंसिस और कुछ चेंजेस होते हुए दिखाई दिए। अब बात करते हैं यहाँ पर वेडो स्विच गियर एंड केबल, इस पर्टिकुलर कंपनी की तरफ भी आपको ध्यान देना है। ईयरली बेसिस पे कंपनी के नंबर काफी बेहतरीन आते हुए दिखाई दिए, और क्वार्टरली यहाँ पर देखेंगे प्रॉफिट फॉर द पीरियड, तो यहाँ पर देख लिए 318, इससे एक साल पहले 222 था। कंपनी का ईयरली परफॉर्मेंस अच्छा है, क्वार्टरली थोड़ा सा डल है। तो इस शेयर की तरफ भी आपको क्या करना है, इस शेयर की तरफ भी आपको ध्यान देना है। और कंसोलिडेट नंबर देखेंगे तो ईयरली क्वार्टरली दोनों बेसिस पे अच्छे हैं। तो यहाँ पर वेडो स्विच गियर एंड केबल्स, इसकी तरफ ध्यान देना है। ऑटो एंसिलरी का स्टॉक्स है। यहाँ पर बात करें वॉटेक वाबाग, काफी बेहतरीन नंबर इसके भी आते हुए दिखाई दिए। प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात करें तो ईयरली बेसिस पे यहाँ लगभग देखिए डबल होते हुए नजर आ रहे हैं, क्वार्टरली बेसिस पे थोड़ी सी गिरावट है, वो हम समझ सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें वंडर फाइब्रोमैट्स, इस कंपनी की तरफ भी ध्यान देना है। इसके नंबर की बात करें तो यहाँ पर देखिए कंपनी घाटे से प्रॉफिट में आई है। ओके, एज वेल एज क्वार्टरली बेसिस पे थोड़ा सा यहाँ पर कम आते हुए नंबर दिखाई दिए, लगभग हाफ, बट ईयरली बेसिस पे कंपनी घाटे से प्रॉफिट में आई है, इसकी तरफ भी आप ध्यान दे सकते हैं। इसके अलावा विम प्लास्ट लिमिटेड, मेरे पास ये पर्टिकुलर स्टॉक्स है, इसकी तरफ भी आप ध्यान दे सकते हैं। काफी बेहतरीन, और इसके जो प्रोडक्ट्स है सैलो कुर्सी वगैरह वो आप यूज करते हैं। बहुत पहले यहाँ पर वीडियो बनाई थी, उसके बाद से परफॉर्म नहीं किया, उसी रेंज में घूम रहा है। बट बात करें ईयरली बेसिस पे लगभग प्रॉफिट 3 गुना हो गया है, क्वार्टरली बेसिस पे थोड़ी सी गिरावट है, बट कंपनी अच्छा खासा यहाँ पर परफॉर्म कर रही है। इसके अलावा एक और कंपनी है जिसके यहाँ पर देख सकते जाइडस लाइफ साइंस, तो यहाँ पर इसके भी नंबर क्वार्टरली ईयरली दोनों बेसिस पे अच्छे आए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ईयरली बेसिस पे थोड़े से डल है, बट क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो ईयरली क्वार्टरली दोनों बेसिस पे अच्छे खासे नंबर आते हुए दिखाई दिए, बट थोड़ा सा ईपीएस में फर्क है ईयरली बेसिस पे। तो कंपनी की तरफ ध्यान दे सकते हैं। कंपनी फार्मा भाग रहा है तो ये भागेगा, और काफी नीचे है ये शेयर, अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। स्टील अथॉरिटी सेल की बात करें, रिजल्ट बेकार आया है, जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सपेंसेस। कंपनी के रेवेन्यू बढ़े हैं, ओके, बट यहाँ पर ईयरली बेसिस पे, बट बात करें इसके एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा यहाँ पर होते हुए दिखाई दिया है, इसलिए कंपनी का जो प्रॉफिट है ईयरली बेसिस पे काफी कम होता हुआ दिखाई दिया है। कंपनी का प्रॉफिट लगभग 4 टाइम्स कम हुआ है, और यहाँ पर बात करें क्वार्टरली बेसिस पे भी कंपनी ने बेकार परफॉर्म किया। तो ये कुछ कंपनीज के रिजल्ट है, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट जरूर करिएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।